एक बात, क्योंकि इसमें मैंने ही अनाउंसमेंट की थी और आप डेट्स अगर ध्यान करते हैं इसमें, मैंने वो अनाउंसमेंट की थी 27/12/18 को। एक चूक हुई थी उस समय और उसको मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे या तो ये कहना चाहिए था कि आज तक जितने लोगों ने अप्लाई किया है उन सबको कनेक्शन दिया जाएगा। हमने क्या किया, 27/12/2018 को ये कह दिया और 4 दिन का टाइम देके कि आने वाली 31 तारीख, क्योंकि महीना खत्म होने वाला था, कि आने वाली 31/12 यानी 4 दिन बाद 31/12 तक भी जो लोग अप्लाई करेंगे उनको सबको कनेक्शन देंगे। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उन 4 दिनों में 100 रुपया भर करके कम से कम 30,000 लोगों ने लाइन में लग के खड़े हो गए। सबका अधिकार है, उन्हें अधिकार मान लिया, लेकिन उन्हीं को फिर जब ये कहा कि आप जो है रिक्वायर्ड मनी ये जमा कराइए, 30,000 रुपया जमा कराइए, जब 30,000 रुपया जमा कराने की बात आई तो वही 84,000 से घट करके 56,000 हो गए हैं, इसलिए 28,000 तो वहीं खत्म हो गए हैं। अगर वो 100 रुपया भर करके लाइन में लगते हैं और वो कनेक्शन की उनकी आवश्यकता हो, 30,000 रुपया नहीं भरते हैं तो 28,000 का तो कोई अर्थ नहीं है। आज जब 56,000 बचते हैं तो हमारी प्रायोरिटी उन 56,000 लोगों को जिन्होंने 30,000 रुपया भरा था उनको पहले कनेक्शन देने की बात है, और उसके बाद भी अब कनेक्शन लेने में किसान तो हर कोई चाहता है कि मुझे कनेक्शन मिले और मैं फटाफट पानी खींचो और ऊपर ले आऊं। ये 2018 के बाद जब ये सारे कनेक्शन की बात आई उस समय ये पानी का जो संकट है उसके बाद ही, क्योंकि जो वाटर लेवल नीचे गया और जिसके कारण से डार्क जोन में कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, ये केंद्र सरकार की एक उस समय एक डायरेक्शन थी। उसके अंदर भी हजारों लोग उस एरिया के थे जहां कनेक्शन नहीं दिए जा सकते थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने भले ही वो वापस ले ली है सूचना कि हम अब कोई ऐसी सूचना नहीं देते हैं कि उनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये सूचना वापस हो गई, लेकिन हमारी चिंता आज भी है कि हर साल ऐसे एरियाज हैं, हर साल पानी 1 मीटर 1.5 मीटर नीचे जा रहा है, एक पाइप हर साल ट्यूबवेल कनेक्शन वालों को डालना पड़ता है। 2008 से लेकर के और 2020 तक के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 12 मीटर 14 मीटर 15 मीटर पानी डाउन चला गया है। अगर इसको हमने नहीं रोका तो निश्चित रूप से आने वाले 10-12 साल में क्या होगा, ये जो पानी है ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे लिए बनने वाला है। इसके कारण से हमने योजनाएं चलाई। योजनाएं क्या चलाई, हमने कहा कि पानी कम निकालिए, धान कम बुआई करिए, धान न बोने वाले को हमने 7,000 रुपया एकड़ ये पैसा दिया। 1,00,000 एकड़ किसान पर लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने 1,00,000 एकड़ पिछले साल कम किया, इस साल 2,00,000 एकड़ का अपील की हुई हमने, और इस 2,00,000 एकड़ में भी लोग और आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ठीक हम धान नहीं बोएंगे, हमें भी पता है कि पानी का संकट है। तीसरी बात हमने ये कही कि अब हम ज्यादातर यानी प्रेफरेंस उसी को देंगे जो माइक्रो इरीगेशन पर आएगा। माइक्रो इरीगेशन में वो जो सब्सिडी है जो 60% 65% होती थी हम लोग 85% कर दी है, कि 85% सब्सिडी सरकार दे देगी, लेकिन आप माइक्रो इरीगेशन पर आइए और आपको तुरंत कनेक्शन मिलेगा। हमारे लिए पावर की कोई कमी नहीं है, वी आर सरप्लस इन पावर एट द डे टुडे, लेकिन हमारे पास पानी की जितनी कमी है इस पानी को कमी को देखते हुए हम इस प्रकार से खुले कनेक्शन जैसा मर्जी जो मर्जी आए लेगा वो संभव नहीं है। पानी को बचाना ये प्राथमिकता है। माइक्रो इरिगेशन पर जो आएगा उसको साथ साथ कनेक्शन देंगे, एक बात। दूसरा, एक 5 स्टार की कमिटमेंट थी हमारी कि 5 स्टार मोटर हम लगाएंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टेक्निकल एजेंसी ने कहा कि अब जो 5 स्टार के जो स्पेसिफिकेशन है पैरामीटर्स हैं उन स्पेसिफिकेशन को हम अब 3 स्टार में चेंज कर रहे हैं, वही 5 स्टार फिर 3 स्टार हो गया। आज 5 स्टार का कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। इस विवाद के कारण से कम 6 महीने लग गए कि इसका क्या करें। मोटर सारी आ चुकी थी, हमारे लिखने से वो 5 स्टार है, सेंटर की स्पेसिफिकेशन 3 स्टार की हो गई है। हमने उस पर लिख करके दिया कि मोटरें पुरानी 5 स्टार की हैं, आज की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये 3 स्टार हैं, जो इनको लगवाना चाहता वो लगवा सकता है। उसमें से 14,000 लोग लगभग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि ठीक है हमें आप वही मोटर जो पुरानी 5 स्टार आज 3 स्टार उसको आप लगा दीजिए, वो सब लगाई गई हैं। बाकी आगे 6 महीने अगले साल तक के लिए कहा है कि सारे पेंडिंग कनेक्शन तब तक पूरे कर दिए जाएंगे।